टीम इंडिया और अफ्रीकी टीम के बीच टी20 सीरीज समाप्त हो चुकी है और दोनों ही टीमें एक एक मैच जीत चुकी है। इसी के साथ टी20 सीरीज में बराबरी पर समाप्त हुई है सीरीज। इसके बाद टेस्ट मैचों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। इस मैच में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे रोहित शर्मा। जी हाँ, टेस्ट मैच की सीरीज से पहले प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे रोहित शर्मा। टीम में खेलेंगे 4 ओपनर। भारत और अफ्रीकी टीम के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होनी है। दोनों टीमों के बीच 26 सितंबर से 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेला जाना है। चयनकर्ताओं ने मुख्य टीम का ऐलान करने के साथ साथ गुरुवार को प्रैक्टिस मैच के लिए टीम इंडिया का भी ऐलान कर दिया था। बोर्ड प्रेसिडेंट 11 और साउथ अफ्रीकी टीम के बीच होने वाले इस मैच की कमान रोहित शर्मा को दी गई है। हालांकि आमतौर पर यह कमान टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे को मिलती है, लेकिन इस बार रहाणे टीम में नहीं है, तो साफ है रोहित शर्मा को इसमें मौका दिया गया है। शर्मा इस मैच में ओपनिंग भी करेंगे। कप्तानी मिलने से साफ है कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान रोहित को मुख्य भूमिका में ही देखना चाहते हैं। टीम में केएल राहुल के खराब फॉर्म के चलते बाहर का रास्ता दिखाया गया। ऐसे में लगभग तय है कि रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज के दौरान मयंक अग्रवाल के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे। घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले अभिमन्यु ईश्वरन को मुख्य टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज मौका देने की बात की जा रही थी। उन्हें मुख्य टीम में मौका नहीं दिया गया, लेकिन वह प्रैक्टिस मैच में टीम का हिस्सा रहेंगे। प्रैक्टिस मैच की टीम में 4 ओपनर्स को जगह दी गई। कप्तान रोहित शर्मा के अलावा मयंक अग्रवाल, प्रियांक पांचालो, अभिमन्यु ईश्वरन शामिल है। आपको बता दें कि प्रियांक पांचालो, अभिमन्यु ईश्वरन सलामी बल्लेबाज हैं और वे टीम इंडिया की ए टीम से वेस्टइंडीज में टेस्ट श्रृंखला जो खेली गई थी उसमें टीम इंडिया के अच्छे ओपनर थे और उन्हें जल्द ही टीम इंडिया में देखा जा सकता है। टीम इस प्रकार है: मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, प्रियांक पांचाला, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, सिद्धेश लाड़, के एस भरत विकेटकीपर, जलज सक्सेना, धर्मेंद्र सिंह जडेजा, आवेश खान, ईशान पौरल, शार्दुल ठाकर, उमेश यादव। आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास मैचों में रोहित की सर्वश्रेष्ठ पारी 309 रनों की है। अब वह टेस्ट में ओपनिंग करेंगे। भारतीय क्रिकेट के तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में ओपनिंग करने वाले हैं। भारतीय चयनकर्ताओं ने फैसला किया कि अब टेस्ट मैच में भी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के दौरान वह ओपनिंग करते नजर आएंगे। आपको पता है कि वनडे टी20 में टीम इंडिया के बेस्ट ओपनर माने जाते हैं रोहित शर्मा। टेस्ट क्रिकेट में यह पहला मौका होगा कि ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाते दिख सकते हैं आपको रोहित शर्मा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सिर्फ 3 बार ही ओपनिंग की है रोहित ने। रोहित शर्मा का फर्स्ट क्लास करियर कमाल का रहा है। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर में कुल 87 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 3 मौकों पर ही टीम की मुंबई के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी की है। हालांकि ओपनिंग करते हुए वह कोई बड़ी पारी तो नहीं खेल पाए, लेकिन फर्स्ट क्लास मैचों में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि रोहित ना चले। फर्स्ट क्लास मैच में ओपनिंग करते हुए उनका बेस्ट स्कोर 68 का रहा है। उन्होंने 2010 और 11 में रणजी सीजन के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान के खिलाफ खेलते हुए देखा गया था। अगर तीनों पारियों की बात करें तो उन्होंने 30 रन और 68 रन और 28 रन बनाए हैं। आपको बता दें कि इसमें रोहित शर्मा ने बहुत कम ही गेंदें खेली है, यानी कि रोहित टेस्ट में भी तेज तर्रार रन बनाएंगे। रोहित के अगर फर्स्ट क्लास करियर की बात की जाए तो रोहित शर्मा के फर्स्ट क्लास करियर अब तक शानदार रहा है। उन्होंने अपने कुल 87 मैचों में जिसकी 137 पारियों में 54 के बेहतरीन औसत से 6562 रन बनाए हैं। रोहित ने फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 20 शतक लगाए हैं। उनका बेस्ट स्कोर 309 का है। फर्स्ट क्लास मैचों में उनके 30 अर्धशतक भी हैं। रोहित शर्मा कुल 24 विकेट भी ले चुके। एक पारी में उनका बेस्ट गेंदबाजी 28 रन देकर 4 विकेट भी, इसके साथ उनका बेस्ट प्रदर्शन 85 रन देकर 5 विकेट भी रहा है। अब रोहित के पास एक बार फिर से खुद को टेस्ट में बेस्ट साबित करने का मौका होगा। वीरेंद्र सहवाग की तरह सफल हो सकते हैं रोहित शर्मा। जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 309 रनों की पारी खेली थी रोहित शर्मा ने, अब उन्हें वह काम इंटरनेशनल क्रिकेट में करना होगा।
टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग की तरह सफलता हासिल करने के लिए पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा को खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट में रवैया बदलने की सलाह दी है। गावस्कर ने कहा कि सफेद और लाल गेंद की क्रिकेट में काफी अंतर होता है। सफेद गेंद 5 ओवरों में ही स्विंग करना बंद कर देती है, लेकिन लाल गेंद इसे 35 से 40 ओवर के बाद भी स्विंग करता देख सकते हैं, इसलिए स्विंग का सामना करना अलग बात होती है। रोहित के अंदर आने वाली गेंद के खिलाफ थोड़ा संघर्ष जरूर करते हैं। गावस्कर ने कहा, यदि रोहित शर्मा का शॉट सिलेक्शन अच्छा रहता है तो वह टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत रन बनाएंगे। रोहित को सहवाग की तरह टेस्ट क्रिकेट में सफल होने की उम्मीद को मजबूत करने की जरूरत होगी। जब हम रोहित शर्मा के बारे में बात करते हैं तो उनके पास वीरेंद्र सहवाग की तरह वाटर टाइम डिफेंस नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा के पास शायद सहवाग जैसे ज्यादा शॉट तो हैं। सहवाग ने गेंद को इतनी ज्यादा बार ऑन साइड की तरफ नहीं मारा, लेकिन रोहित पुल और हुक शॉट बखूबी इस्तेमाल करते हैं। रोहित के पास ज्यादा अटैकिंग शॉट है। अगर रोहित अच्छी गेंदों के खिलाफ अपना डिफेंस मजबूत कर सकते हैं तो वह टेस्ट क्रिकेट में भी सहवाग की तरह सफल हो सकते हैं। रोहित अगर रबाडा जैसे गेंदबाजों का सामना करते हैं तो वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ आने वाली टेस्ट सीरीज में लंबी पारियां खेल सकते हैं। गावस्कर ने कहा, जिस तरह हनुमा विहारी ने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है, उससे रोहित शर्मा का मिडिल ऑर्डर में आना मुश्किल लग रहा है। इससे उनके पास ओपनिंग में खुद को साबित करने का एक अच्छा मौका है। गावस्कर ने कहा कि हम 2 टेस्ट मैचों के जाने के बाद ही जान पाएंगे कि विशाखापट्टनम और पुणे में अच्छे विकेट है। अगर रोहित इन पिचों पर एक अच्छी पारी खेल सकते हैं तो वह अगले 2 या 3 सालों में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। अब देखना होगा रोहित शर्मा की यह ताबड़तोड़ पल्लेपारी कब तक जारी रहती है। हम तो यही चाहेंगे कि रोहित शर्मा टेस्ट में भी 13 शतक लगाए। स्पोर्ट्स ब्यूरो।